फिल्म द कश्मीर फाइल्स की जहां बड़ी संख्या में दर्शक और कुछ एक्टर्स खुलकर तारीफ कर रहे हैं, वहीं कई बड़े सितारों ने फिल्म को लेकर अब तक कुछ नहीं कहा, जिसकी वजह से वह लोगों के निशाने पर भी हैं। फिल्म को लेकर अब आमिर खान ने जो बातें कही हैं, उसकी वजह से वह इस वक्त सुर्खियों में है। दरअसल आमिर खान फिल्म RRR के प्रमोशन इवेंट पर बतौर गेस्ट दिल्ली पहुंचे, जहां बातचीत के दौरान उन्होंने विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर भी कुछ बातें कही है। फिल्म RRR की स्टारकास्ट फिल्म प्रमोशन के लिए दिल्ली पहुंची थी, जहां जूनियर NTR रामचरण के अलावा आलिया भट्ट भी थी। इस मंच पर आमिर खान भी इन कलाकारों के साथ नजर आए और सबने मिलकर दर्शकों का जमकर मनोरंजन किया। फिल्म कश्मीर फाइल्स को लेकर आमिर खान से भी सवाल किया गया, जिसके जवाब में उन्होंने कहा, मैं कश्मीर फाइल्स जरूर देखूंगा, क्योंकि वह हमारे इतिहास का एक ऐसा हिस्सा है जिससे हमारा दिल दुखा है। उन्होंने इस फिल्म को लेकर खुलकर कई बातें कही हैं। उन्होंने कहा, जो कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ, वो यकीनन बहुत दुख की बात है। ऐसी फिल्म यकीनन हर हिंदुस्तानी को देखनी चाहिए और यह याद करना चाहिए कि एक इंसान पर जब अत्याचार होता है तो कैसा लगता है। उन्होंने आगे कहा, इस फिल्म ने हर उस इंसान के इमोशंस को छुआ है जो इंसानियत में यकीन रखता है, और यही इसकी खूबसूरती है। आमिर खान ने यह भी कहा कि मैं फिल्म जरूर देखूंगा और मुझे इस बात की खुशी है कि फिल्म सफल हुई है। बता दें कि विवेक अग्निहोत्री निर्देशित फिल्म द कश्मीर फाइल्स में साल 1990 की हुई वह घटना दिखाई गई है, जब कश्मीर से वहां के हिंदुओं ने बड़ी संख्या में पलायन किया था। इस फिल्म में अनुपम खेर, दर्शन कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, भाषा सुंबली, पल्लवी जोशी जैसे कई शानदार कलाकार नजर आए। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त तहलका मचा रही है।